मेरे विद्यार्थियों, अज असी कर रहे हैं 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर जुलाई 2021 बाय मंथली टेस्ट। सब तो पहला इतने डिस्ट्रिक्ट भरना चूज़ करके, उस तो बाद ई पंजाब आईडी 7 नंबर दी, 7 अंकों की जो कि जरूर भरना है। उस तो बाद रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 1-5। 1 to 5 प्रश्न के आंसर देने दे लिए सानू यह पैरा पढ़ना पेगा, तो आओ असी पढ़ते हाँ। सक्सैस डजेंट मीन एबसेंस ऑफ फेलर। सफलता का मतलब ये नहीं है कि तुसी कदे फेल नहीं होए। इट मीनस विनिंग द वार नॉट एवरी बैटल। इसका मतलब ये नहीं है वो युद्ध नहीं है ये जिस दे विच असी कोई भी जिहड़ी लड़ाई सारिया लड़ाइया जित्तियां होन, ये वो युद्ध नहीं है। बिहाइंड एवरी सक्सैस स्टोरी देयर इज आलसो ए स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलर। जे असी सफलता की कहानी देखिए, हरेक सफलता की कहानी पिछे एक बहुत बड़ी असफलता भी होंदी है, फेलर भी होंदी है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती वाइल वी आर अवेयर ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट वी डू नॉट नो द फेलर टॉयल एंड टीयर दैट आर बिहाइंड ईच सक्सैस। बदकिस्मती असी जिहड़ी सक्सैस है उस दे पिछे जिहड़ी फेलर है उसनों नहीं देख पाते, टॉयल उस दे पिछे जिहड़ी मेहनत है और टीयर्स जिहड़े हंजू ने उसनों असी नहीं देख पाते। वी शुड देयरफॉर टेक फेलर इन आवर स्ट्राइड बट इट इज़ अनदर स्टैप दैट टेक्स अस क्लोजर टू अवर गोल। कहिंदा साडे आत्म विश्वास नूं बना के रखना चाहिए जदों फेल हो जाइए असी जां फेलर हो जाइए, तां परंतु सानूं ये जिहड़ी असफलता है साडी जिहड़ी सफलता दे जां साडा गोल है उस दे बहुत नेड़े लै जांदी है। इफ वी फाल अगेन, जे असी फिर गिर जाने हाँ, इट मीनस देयर इज नो वन मोर रोड वी शुड टेक नॉट टेक। तो सानू ये पता लग जाता है कि एक होर रस्ता है जिहड़ा सानू जिहड़ा असी चूज़ नहीं किया जे असी फेल हो जाने तो सानू पता लग जाता उस रस्ते का भी ये चंगा सी जां माड़ा सी। इट दस गिव्स अस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड एज वी आल नो एक्सपीरियंस इज़ अ ग्रेट टीचर। जिहड़ी एक्सपीरियंस हुंदा है वो सानू मिलता है इतों असफलता तो, ते असी जानते हैं कि जिहड़ा एक्सपीरियंस है वो बहुत महान टीचर है, वो बहुत बड़ा अध्यापक है साडा एक्सपीरियंस। फेलर मेक्स अस हंबल, जिहड़ी फेल है वो सानू हंबल बनाती है, निम्र बनाती है। इन अवर ग्रीफ वी फाइंड अ करेज। जो सू दुख हों तो साड़ी जी उत्तेजना भी वध होंगी है तो साड़ा करेज भी वध है। एंड फेस टू ओवरकम द सेटफेक, ताकि जोड़ा नुकसान होया असी उसकी भरपाई कर सकीए। इट मेक्स अस मूव ऑन टू अर्थ, ये सानू धरती के होर नेड़े लेके जाता है, यानी कि असी होर एक्सपीरियंस के नेड़े जाने, प्रैक्टिकली हों तो रियलिस्टिक तो साडे यथार्थवाद के नेड़े हों। तो उस तो बाद है गिविंग अस एन ओपरचुनिटी टू रिसेस आवर ऑब्जेक्ट प्लान एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन द लाइट ऑफ मिसटेक्स वी हैव मेड। जदों असी असफल होंने तो जिहड़ा जदों सानू असफलता मिलती है तो परंतु उहदे नाल ही सानू एक ओपरचुनिटी मिलती है, मौका मिलता है कि असी अपने आप नूं दोबारा प्लैन करिए ते फ्यूचर दे विच की एक्शन करने ने। ये सानू कित्थों पता लगता है, जिहड़ियां असी गलतियां करदे आ वो सानू साडी जिहड़ी रोशनी बन जांदियां ने, जिहड़ी गलती है वो सानू रोशनी बन के साडा मार्गदर्शन करदी। हाउएवर टर्निंग अ स्टंबलिंग ब्लॉक टू अ स्टैपिंग स्टोन रिक्वायर्स वन टू ओवरकम द फीयर ऑफ फेलर एंड डाउट। यानी कि जो सानू फेलर की ठोकर लगती है वो ठोकर खा के फिर असी संभल जाने, यानी कि उस ठोकर नाल असी संभल के अगे अगले जिहड़े साडा फ्यूचर है उस दे विच सही कदम चुन सकते हैं जेकर असी फेल हो जाने। दीज यूजली अराइज वैन वी फेल, जदों असी फेल होंने अफेक्टिंग अस साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली।
असी नाले तां मनोविज्ञानिक तरीके दे नाल तौर ते असी अफेक्टेड हुंदे आ, सानू साडे ते प्रभाव पैंदे ते नाले फिजिकली शरीरिक भी साडे जिहड़ी सेहत ते भी इस चीज़ का असर पैंदा है। फिर है द ओनली पॉसिबल वे टू ओवरकम दिस इज़ टू हैव फर्म बिलीव। जेकर असी इस चीज़ नूं ओवरकम करना है, इस चीज़ ते जित प्राप्त करनी है, तां सानू पक्का यकीन होना चाहिए है एंड कन्विक्शन, ते सानू कन्विक्शन होना चाहिए है, साडा यकीन है जिहड़ा उह पक्का होना चाहिए है इन आवर वर्क एंड अवॉइड कमिटिंग द सेम मिसटेक अगेन। तो सानू जिहड़ियां गलतियां ने उन्हां नूं दुबारा दुबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, साडा जिहड़ा विश्वास है यकीन है वह पक्का होना चाहिए है। अ स्ट्रोंग विल, एक मजबूत जिहड़ी इच्छा, वर्निंग्स डिजायर, साडे अंदर दी जिहड़ी इच्छा जिहड़ी वर्निंग है। सक्सैस इज़ अ श्योर पासपोर्ट टू सक्सैस, सक्सीड असी फिर सक्सैस होंगे जे साडे अंदर एक स्ट्रोंग विल पावर है ते वर्निंग डिजायर है, साडी इच्छा बहुत ज़्यादा मजबूत है, फिर असी सफल होंगे। प्यारे विद्यार्थियों आओ असी हुण क्वेश्चन दे आंसर देख रहे हैं। बिहाइंड एवरी सक्सैस देयर आर, एक सफलता दे पिछे की हुंदा है, तो सफलता दे पिछे की हुंदा है, टीज टोयल हंजू भी हुंदे ने, मेहनत भी हुंदी है, फेलर भी हुंदी है, सारियां चीज़ां हुंदियां, तां इहदा मतलब है आल ऑफ द अबव। नैक्सट क्वेश्चन, फेलर गिव जस, फेलर सानू की दिंदी है, डिजायर दिंदी है, वैल्यू एक्सपीरियंस दिंदी है, करेज दिंदी है, जां डलनेस दिंदी है, तां जिहड़ी फेलर है सानू वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिंदी है, असी एक्सपीरियंस तो सीख जाने, यानी कि ठोकर जो सानू लगती है तो असी अपनी गलतियां तो सीखते हैं, तो सानू वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिंदी है। नैक्सट, अ श्योर पासपोर्ट टू सक्सैस, एक पक्का पासपोर्ट हुंदा सफलता का, वह किहड़ा है, अ स्ट्रोंग विल बर्निंग डिजायर, ए एंड दे विच आया सीगा, बोथ ए एंड बी, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੋਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਵੀ। ਫੇਲਰ ਗਿਵਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ, ਫੇਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ, ਰਿਸੈਸ ਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ, ਰੀਪਲੈਨ ਦਾ, ਓਵਰਕਮ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਵਬ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੀਪਲੈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਕਮ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਵਬ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਅਫੈਕਟਸ ਅਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਸੋਰੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਡੋਟ ਫੇਲਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੇਲਰ, ਫੇਲਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਟਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਨ ਨੈਵਰ ਸੈਲ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਸੈਲ ਬੰਸ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਬੋਸ ਸ਼ੋਡ ਦੈਟ ਪਲੈਂਟਸ ਕੁੱਡ ਐਂਡ ਦੋ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਮਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਬਰੀਥ ਐਂਡ ਫੀਲ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬਰੀਥ ਐਂਡ ਫੀਲ। ਹੂ ਡਿਡ ਦ ਬੋਏ ਗੋ ਟੂ ਫਾਰ ਵਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ, ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਬੋਏ ਵਾਜ ਆਲਵੇਜ ਅਨੋਇੰਗ ਐਂਡ ਨੇਬਰਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਂਕਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭੱਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਂਕ। ਨੈਕਸਟ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਰੀਚ ਗੋਡ ਬਾਈ ਟੈਲਿੰਗ ਆਫ ਬੀਟਸ ਐਂਡ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਬੀਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੇਂਟਿੰਗ, ਚੇਂਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਭਜਨ ਗਾਣੇ।
मतलब कल्ले भजन गाई जाना माला फीली जाना उस नाल असीं परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते। नैक्सट क्वेश्चन द पोइट ऑफ द पोइम ओपन थाई आईस एंड सी थाई गॉड एक किस राइट किस पोइट की पोम है तो यह है साडे इंडियन जिहड़े राइटर सीगे रविंद्र नाथ टैगोर ये पोइट्स भी सीगे लेखक भी सीगे अध्यापक भी सीगे एजुकेशनिस्ट भी सीगे। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਸੈੱਟ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਨ ਸੈੱਟ ਜੈਟ ਸੈੱਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਨ ਅਰੇਂਜ ਫਿਕਸਡ ਸਟਾਰਟਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਕਸਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ द सिनिनम ऑफ द वर्ड डैग डैग का मतलब की होंगे सिनिनम की होंगे यानी कि समान अर्थी की होंगे इसका डैग शब्द का तो वह हैगा पुल घसीटना। फिर है गया अगला क्वेश्चन ही इज़ मैन हू स्टोल माई बाइसिकल तो ये डिटरमीनर जोड़ा भरेगा वह हैगा दैट दैट इसका सही आंसर है। नैक्सट देखते हैं ही वाकड द हॉल वो हॉल दे विच की कर रहा है वाक कर रहा है हॉल दे विच जा हॉल दे इनटू जा हॉल दे इनसाइड तो इसका जो सही आंसर हो सक है वो है इनसाइड हॉल दे अंदरले पासे जोड़ा वो की कर रहा है वॉक कर रहा है। नैक्सट आई होप टू सी यू मैं उम्मीद है कि मैं तुहानू मिलूंगा संडे मंडे तो यह जिहड़ा सही आंसर है ऑन मंडे मैं उम्मीद है कि मैं तुहानू मंडे नू मिलूंगा ये प्रेपोजिशन असी भरनी सी। नैक्सट क्वेश्चन चूज़ करैक्ट पंजाबी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस सही पंजाबी भरनी है अपने ऑल मैन आर नॉट ट्रू सारे व्यक्ति सच्चे नहीं हन तो यदा पहला ही आंसर पे है सारे आदमी सच्चे नहीं हन। नैक्सट इन द एंड विक्टरी वाज हिज अंत दे विच विक्टरी उसकी सी जित उसकी सी अंत विच सफलता सफलता नहीं अंत दे विच जित उसकी सी आ सही है अंत दे विच सफलता उसकी नहीं विक्टरी सी सक्सैस हुंदी है सफलता विक्टरी हुंदी है जित तो आ इहदा सही आंसर है। Choose correct English translation of the given sentences. ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। नैक्सट अंजू ने अपना काम पूरा कर लिया है ये कि टेंस है देखो ये है प्रेजेंट पास्ट यानि कि जोड़ा हूँ का समा से वो लंघ गया है परंतु हने हने लंघया है तो यह हो गया अंजू हैज़ कंप्लीट हिज कंप्लीटड हिज़ वर्क तो इस टेंस के हैज़ हैव के नाल थर्ड फॉर्म की जी वरतों करते हाँ वी थ्री की वरतों करते हाँ तो वी थ्री भी आ गई तो हैज़ भी आ गया हैज़ हैव उदों लगाने असी जदों असी हुणे हुणे कोई काम खत्म होया है हुणे हुणे असी कोई काम किया है तो हैड असी उदों लगाने जदों पास्ट की गल करते हैं असी पास्ट परंतु ये हैगी है प्रेजेंट की गल काम पूरा कर लिया है हुणे तो यह सही आंसर है गया अंजू हैज़ कंप्लीटड हर वर्क। तो प्यारे विद्यार्थियों ये सीगा जिहड़ा साडा टैसट जो असी सोल्व किया सारे विद्यार्थी इसनों अपने अपने नंबर देखने दे लई चेक करनगे ते सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद ते साढ़े जिहड़े चैनल है उसनों सबसक्राइब जरूर कर दो सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच ते सबमिट जरूर करना है पेपर जो तुसीं पेपर करदे हो तो इसनों इत्थों सबमिट लाजमी करना है क्योंकि इस तो बिना पेपर अगे नहीं जाता सो सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच।